केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को भी गौरीकुंड जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मानसून सीजन में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के कारण यात्रा और सड़क मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहे हैं। साथ ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच विभिन्न स्थानों पर सड़क मार्ग वाश आउट हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में शासन प्रशासन की तत्परता से केदारनाथ धाम के दूसरे चरण की यात्रा सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इसी बीच यात्रा मजिस्ट्रेट एडीएम संदीप ने बताया कि मुकुंद कटिया के गौरीकुंड के बीच बाधित मार्ग सवारी गाड़ी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए खुल गया है। वाश आउट हुए मार्ग को यात्रा संचालित करने के लिए खोला गया है और इसमें चुनौती जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय राजमार्ग ने दिन रात एक कर रिकॉर्ड समय में सभी मार्ग दुरुस्त कर लिए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। व्यापार मंडल गौरीकुंड की तरफ से 22 तारीख में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में इनकी जो शर्त थी ये थी कि जो मुन कटिया तथा गौरीकुंड के बीच में वोसाउट एरिया हुआ है, वहाँ से जो गाड़ी है उसकी आवाजाही पूर्ण रूप से बहाल की जाए। इसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि एनएच के द्वारा लगभग 2 या 3 दिन में काम करके उसमें जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको बहाल कर दिया गया है, तथा गौरीकुंड मार्केट के पास में जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो स्लाइड आया था उसको भी एनएच द्वारा पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है।